उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बरए मेहरबानी बच्चों से अपने कैमराज ऑन कर दीजिए, सिर्फ हंसे नजर आ रहे हैं उसको। जी, जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जमीर, जमीर से क्या मुराद है, ठीक है। उससे पहले मैं सबको ये बता दें कि आप लोग के मार्क्स अपलोड हो गए, वेल डन, जबरदस्त, जिन्होंने सबने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी कोशिश की है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। अब आप लोग का जो दूसरा टेस्ट इंशाल्लाह पर हम लेते हैं, ये इसी वीक तो फ्राइडे को लेंगे, इस वीक को या मंडे को, चले मंडे को है आपका टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को मंडे को आपका क्विज नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट वीक उसका क्या अनुमान होगा वो हम सबको बता देंगे, ठीक है। फिर फ्राइडे को उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सबको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बाद में ये ना हो कि यहाँ पे मैं सबकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये फिर आप लोग के थोड़े से बहाने हो जाते हैं कि हम सब सवाल करेंगे, है ना, ठीक है। शाबाश, सब कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है। अब सब ये बताइए, थम्स अप करके बताइएगा कि किस किस ने होमवर्क अपना देखा, अपना डन कर लिया होमवर्क, जो मिसने पोर्टल पे होमवर्क अपलोड किया था, एक हिकायत डाली थी उसने, अपलोड की थी हिकायत रूमी। अब मैं सबका नाम ले रही है, सबके कैमराज ऑन हो जाना चाहिए, आराम आसिफ, और ये किसका है, ये XT15, काइंडली अपने नाम से इसको कीजिए। जैन, राबिया, हूरिया, शब्बर, मुसहब, उसामा, शयान, मुस्तफ़ा वाजिद, मोहम्मद रजा, हलीमा, अहमद। बराए मेहरबानी बच्चों, ये जरा आप अपने कैमराज ऑन करके बैठिए जी, ताकि आप लोग नजर आए और आपको जरा पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या क्या आपको क्वेरी है। जी, थैंक यू बेटा, सही। अच्छा, अब आप सभी बताइए कि सपने वो हिकायत पे रूमी की जो मिसने डाली थी वीडियोस, किस किस ने वॉच की है, होमवर्क किस किस ने डन कर लिया अपना। जी, हैंड रेस करके बताइए, टू जूम करके ऑप्शन आता है ना हमारे पास, हसन, हैंड रेस करिए जूम के थ्रू अगर आपने कर लिया है। आपको कुछ कहना है? यस हसन जी, क्या कह रहे बेटा? अच्छा, सही, ठीक है। और मुनाहिल बेटा, आपने देखी वो वीडियो हिकायत, आपने देखी हिकायत रूमी? यस राबिया, मुर्तजा, अरहम आसिफ, ताहा, हूरिया, शब्बर जी, ताहा, यस, ओवर टू यू ताहा। पोर्टल पे आपने होमवर्क जी, होमवर्क नहीं मिला आप लोगों को? मैं कौन सी वीडियो, इसका मतलब आप लोग ने होमवर्क बिल्कुल देखा ही नहीं खोल के, पोर्टल आप लोग देखते ही नहीं है वीकेंड में, है ना। आप लोगों को वीकेंड में और डेली आप जब क्लास डन कर लें तो उसके बाद रात शाम को जब आप दोबारा पढ़ने बैठे हैं तो पोर्टल खोलिए, उसमें जो होमवर्क अपलोड हुए हैं, वीडियोज अपलोड हुई है, उसको एक दफा देखिए। पूरा 1 वीक दिया हुआ मैंने आप लोगों को दिया था कि इसको देखना है हिकायत रूमी को। अब जो क्लास होगी हमारी जुम्मे को, उसमें हिकायत रूमी के हमारे जो वीडियो है दोबारा देख लीजिएगा, आज का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो उस हिकायत के हवाले से फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, सही, ठीक है। चयन, अभी तक आप वीडियो ऑन नहीं हुई, आपके कैमरा ऑन नहीं हो रहा। शब्बर, मुसहब, अहमद, कल से आप सब ना जिस तरह ये बैठते क्लास में वैसे बैठे हुए नजर आएंगे, सब बिल्कुल सही तरह कैमराज ऑन होंगे आपके, तवज्जो के साथ बैठे हुए सब नजर आएंगे, सही, ठीक है। अब मैं एक दफा और दोहरा रही है कि आप लोग के जो पोर्टल पे होमवर्क अपलोड है
उस सबको, वो जो वीडियो अपलोड किए सब आप उसको वॉच करेंगे जुम्मे को, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो कमिंग फ्राइडे को हमारी है नेक्स्ट क्लास, उससे सवाल जवाब होंगे सबके, सबको उसके जवाब देने में सबको उस पर शामिल होना होगा। बहुत अफसोस की बात है कि आप लोगों ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं देखा पोर्टल पे, मिसने क्या अपलोड किया है होमवर्क। ठीक है, बाकायदगी से आप लोग देखा करें अपना होमवर्क कि क्या आज अपलोड हुआ है, टीचर्स ने क्या होमवर्क दिया है, मार्क्स आप लोग के अपलोड हो गए हैं, सबके बारे में आप लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम जो उन्वान पढ़ेंगे वो है हमारा जमीर। उससे पहले आपको बताया था, थोड़ा सा मैं दोहरा रही है कि जमीर किसे कहते हैं, तो कोई बताना चाहेगा जमीर से क्या मुराद है, इधर रीकैप दीजिए इसका, कौन देना चाहेगा कि जमीर किसे कहते हैं? जी यस, जमीर से क्या मुराद है, ये लेक्चर का जरा रीकैप दीजिए। उसे बाप बताइए। जमीर से क्या मुराद है? माइक अनम्यूट कीजिए बेटा मुझसे अपना। शाबाश, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ राबिया, मुर्तजा, हसन, मनाहिल, अरहम, सिर्फ यही बच्चे नजर आ रहे हैं एक्टिव हुए हुए, बाकी आप सब कहाँ हैं? आप सबको आवाज नहीं आ रही टीचर की, क्या आप अपना कैमराज ऑन कीजिए। हाँ, मुस्तफा ने भी खोल अपना कैमरा ऑन कर लिया, शायान ने भी किया था, थोड़े से चले गए लोग, शब्बर भी। जी मुझसे ओवर टू यू, ये बताइए जरा इसका रिकैप दीजिए, जमीर से क्या मुराद है, जमीर किसे कहते हैं, अंग्रेजी में जमीर को क्या कहते हैं? आप अभी मौजूद नहीं है मुसैफ, चले ओवर टू यू राबिया। शाबाश असरा, यस असरा, अच्छा राबिया बला जमीर को जी, शाबाश, प्रोनाउन कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा से क्या मुराद है, वो क्या क्या होता है जमीर का, कौन सा प्रोनाउन है? जमीर इसम की जगह यूज इस्तेमाल किया जाता है। शाबाश जबरदस्त, यस हसन, हसन कुछ मिसाल बताइए इसकी। जैसे तुझे, मुझे, तुम्हें, उन्हें और शाबाश, वेरी गुड, गुड हसन, यस। मुर्तजा एक जुमला बताइए जमीर का, यस मुर्तजा हैदर, शाबाश बेटा। जमीर क्या है, अंग्रेजी में जमीर को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जमीर से मुराद वो कलमा है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि इसम को बार बार दोहराना ना पड़े। एक मिसाल दीजिए मुर्तजा, मिसाल दीजिए। अरे चलिए मैं बता रही हूँ, आप इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। वो का जुमला क्या होगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा, उसका जुमला बनाइए। शाबाश मुर्तजा, उस अलीफ सीन उस, हाँ शाबाश, कोशिश कीजिए, इतना आसान जुमला है ना, उस उसने उसको उसके उसके पास चार किताबें हैं, है ना, हो सकता है ना मुर्तजा ये। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी जमीर की, जमीर का जो हमने लेक्चर आपको दिया था उसकी जो मशक करवाई थी, बराए मेहरबानी इसके प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि असेसमेंट 20 मार्क्स का जब लिया जाएगा उसमें जमीर के बारे में अच्छी खासी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसामा एक मिसाल बताइए जमीर की बेटा, जल्दी से रिकैप कर रहे हैं हम लोग, राबिया ने बता दिया, यस उसामा बेटा, यस जमीर की सेंटेंस बनाओ। हाँ बताइए जमीर की मिसाल बताइए, शाबाश। हम लोग कल बाग में खेल रहे थे। वेरी गुड, हम इसमें जमीर क्या है उसामा, इसमें जमीर क्या, हम, हाँ शाबाश,
तो जमीर से मुराद है कि जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि इसम को बार बार दोहराना पड़े। आपको मुझसे मिसाल दी थी, असलम आया, असलम ने खाना खाया, असलम सो गया। अब इसमें बार बार असलम को दोहरा रहे हैं, उसकी जगह हम क्या कहेंगे, असलम आया, उसने खाना खाया और वो सो गया। यहाँ पे जमीर क्या है, उसने और वो, हमने असलम की जगह उसने और वो इस्तेमाल किया क्योंकि ताकि हम बार बार दोहराना ना पड़े इसम को हमें। ठीक है, हम सब, सब मतलब क्या होगा, सब भी क्या होगा, एक जमीर हो गया कि आपने उन सारे इसम की जगह इस्तेमाल किया है। सही है, आप लोगों को और ये बताया था, असरा कुछ कहना चाह रही हैं, मुसहब कहाँ चले गए, मुसहब दोबारा आए हैं। आप लोगों ने बराए मेहरबानी कैमराज ऑन नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी कैमराज ऑन कर लीजिए बेटा ताकि मैं आपको देख सके और बात हो सके। ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पर जमीर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जरा ये देखिए और कहाँ है जमीर का, चलिए इधर देखिए, ये आपको बताया था कि जमीर क्या होता है, जमीर से क्या मुराद है, इसकी क्या मिसालें हैं। तीन हालत है, गायब, हाजिर, मुतकल्लम। गायब क्या होता है, जो कि आपके सामने मौजूद ना हो और आप उसके मुतालिक कुछ बात कर रहे हो वो उस, ठीक है। और हाजिर मतलब कि जो आपके सामने हाजिर में हो रहा हो, आप अभी की जो बात कर रहे हो, ठीक है, तुम जिसे मुखातिब हो रहे हो किसी से आप सामने। मुतकल्लम क्या होता है, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हम, ये होती है तीन हालतें, तीन इम्कान होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें जमीर की हालतें मतलब इसमें जमीर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या हालतें होती हैं। अगर आप इस चीज़ को जगह इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि आपने इशारा किया, वो क्या है, जब वो कैसे इस्तेमाल होता है, इसम की चार हालतें होती हैं। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ज़मीर फ़ाली, ज़मीर मफ़ूली, ज़मीर इज़ाफ़ी, ज़मीर मजरूरी, ये चार इसकी हालतें, मतलब ये चार इसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट इसके क्या हैं, इन ये जो हालतें इसमें होती हैं, अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ज़मीर फ़ाली क्या होता है, क्या मतलब होता है, फाइल मतलब ज़मीर फाइल। अच्छा, फाइल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था फेल, फाइल, मफ़ऊल, है ना, फेल, फेल किसे कहते हैं अंग्रेजी में, वर्ब, काम करने को कहते हैं, मफ़ऊल जिसपे काम हो रहा, फाइल जो काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसको कहते हैं फाइल। अब जब ज़मीर फाइल की जगह इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि जो काम कर रहा था ना उसकी जगह अगर जमीर इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं जमीर फाइली, मतलब कि वो, तुम, मैं, तुम, उस, आप, हम, फाइल। फाइल किसे कहते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, आज से हम एक हालत पढ़ते हैं, सब गौर से देखिए, उसके बाद में आप लोगों से सवाल करेंगी, आप लोगों के सवाल भी रहेंगे, थोड़े से आपको डिफिकल्टी होगी लेकिन एक दफा समझ लेंगे ना आप लोग तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना। ठीक है बच्चों, नंबर एक देखिए आज हालत जो हम पढ़ रहे हैं, ज़मीर फ़ाइली, यस उसामा जी, यस उसामा, साउंड में साउंड आपका कभी अटक रहा है और कभी नहीं आ रहा। हाँ बच्चा, बताएं क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा, आप लोग भी अपना जरा सही कीजिए, नेट हो रहा है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे घर में, तो ये डेटा से मिस नेट इस्तेमाल कर रही है, तो वो थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा होगा, लेकिन अब बिल्कुल स्टेबल हो गए, मिसने इसको अपग्रेड कर दिया है ताकि आप लोग को क्लास में परेशानी ना हो। थोड़ा सा अगर आप लोग को परेशानी हो तो ये कॉम्प्रोमाइज कीजिए, समझ रहे सर, कि आप लोग ही इसको जो आपको शेयर किया जा रहा है ना बटन, जो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, उसको जरा देख लीजिए। ठीक है, सही, आगे समझ में। सबवे नंबर एक देखिए, सब जरा अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों। अच्छा, आप सब अपनी कॉपी पे लिखिए, मैं सबको चैट पे बता रही हूँ क्या लिखना है, चैट पे देखिए। हाँ
ठीक है, write it down in your copy. जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आपको, यस स्क्रीन शेयर जो मिस कर रही है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा आप उसको कॉपी में लिखिए अपने. चलिए लिखिए, शाबाश. नंबर एक लिखिए, जमीर फाइली. सामान जब आपको चैट पे जरा देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, अगर आवाज कट के आ रही है तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी. नंबर एक लिखिए बेटा सब, इसमें जमीर की हालतें, इसमें जमीर की हालतें. सब लिखिए मुर्तजा बेटा, लिखिए शाबाश. मैं इसको बड़ा कर देती हैं. शाबाश सब लिखते हुए नजर आए. इसमें जमीर की चार हाल, इसमें जमीर चार हालतों में इस्तेमाल किया जाता है. नंबर एक जमीर फाइली, शाबाश. सब लिखिए, राइट इट डाउन. इसलिए कह रही है कि मुझसे कैमरास नजर आने चाहिए, सब लिखते हुए नजर आने चाहिए. राबिया माशा नजर आ रही है, हसन भी, मुर्तजा भी माशा लिख रहे हैं, मनाहिल भी, ये बाकी सब जो पर्दों में छुपे हुए ना, वो कोई भी नजर नहीं आ रहा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मुसैब कैमरा ऑन कीजिए, असरा मोहम्मद अबीर सब कैमराज ऑन कीजिए, शाबाश. सूर्या रजा अहमद, शाबाश. हलीमा, थैंक यू बेटा हलीमा. मोहम्मद, थैंक यू बेटा, शाबाश. ताहा, उसामा, यस मोहम्मद, मोहम्मद रजा, रजा, रजा ने हाथ उठाया, यस रजा. ओवर टू यू रजा, यस रजा. वैसे अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हरियर अनम्यूट कीजिए अपने आप को. ओके, आपको करना नहीं आ रहा शायद, हाँ ऐसा हो नहीं सकता. मोहम्मद बिल्कुल कोई कुछ ना करे स्क्रीन पे. ये सब लिखिए जरा, शाबाश. ये चारों हालतें लिखिए. ओके, आवाज सुनो क्यों आई है मुझे कुछ. हाँ होने दो. मुर्तजा बेटा ये लिखना है, जो ये चार हालतें हैं, चार, एक दो तीन चार, आप लोगों को जो चार हालतें दी गई है ना बच्चों, ये लिखना है बस. काबिया को आवाज सही आ रही टीचर की, शाबाश. मुर्तजा आपको आवाज आ रही है बेटा, ये जो मिसने स्क्रीन शेयर किया है ना, हाँ ये लिख लीजिए अभी आप लोग. एक दो तीन चार, इसमें जमीर चार हालतों में इस्तेमाल किया जाता है. बेटा बराए मेहरबानी जिसने भी किया इसको हटाइए, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास वो एडमिट नहीं होगा क्लास में. यस हसन बेटा, नाम आ गया हमारे पास उसका. जी जी हाँ, वीडियो लेक्चर में जाते हैं बेटा.
सही है, रिकॉर्डेड जो आज का है ना, आपको कल इंशाअल्लाह वहाँ अपलोड हुआ मिल जाएगा, सही है। आप जिसने भी किया है बराए मेहरबानी उसको रख कर दीजिए, और जिसने की उसका नाम आ गया है। अभी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका नाम डालते ताकि सब पढ़ लें, सारे सीनियर टीचर्स पढ़ लें। यस, ये लिखी है चार हालतें। आइंदा से आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि टीचर आप लोग के साथ कोई अच्छी एक्टिविटी करें, अब हम लोग इंशाअल्लाह एक्टिविटीज पे आ रहे हैं अपनी। मुर्तजा बेटा ये लिखना है, सब ये लिखना है, यहाँ तक लिखना, हम पर तक लिखना है। आप लिखिए फिर मैं समझाती हूँ आपको, इसकी आपको मस्त देंगे, बड़ा मजा आएगा आपको मस्त पढ़ने में। वेरी गुड मनाया, शाबाश हलीमा, जबरदस्त। यस शब्बर, यस बेटा शब्बर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हमें सेकंड वाला लिखना है या सिर्फ फर्स्ट वाला लिखना है? पूरे चार लिख रही है बेटा अभी। आप चार मिस लिखी है वो मैंने, मिस लिखी है। शाबाश, एक्सेलेंट। आप अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छे तो लग रहे थे आप माशाल्लाह। जी मिस, ओके कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा ये कौन है? रुपया, अपना नाम रुपया, नाम यस, अपने नाम से आप लोग ना उसको ना रीनेम कर लिया कर बेटा, ताकि अटेंडेंस में टीचर को परेशानी ना हो। यस आई थिंक रुपया आप सारीना है, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। जी जिसने डन कर लिया है थम्स अप कर तो बता दीजिए हम इसको, ताकि हम आगे बढ़े। यस शपर, जी शपर बेटा, ये रुपया के नाम से जो भी है बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेज किए हुए थे, कोई सवाल है आपका? कहाँ है डन दिस? चारों लिख ली, मुस्तफा वाजिद हमने लिख ली बेटा, असरा यस बेटा, असरा बेटा। हमें ये ऊपर वाले चार लिखने हैं, जमीर फैली और जी जी ये से चार ये सारे लिखने हैं। हाँ हम पर तक लिखने हैं यहाँ तक बस। ओके मैम, एक दो तीन चार, जमीर फैली, जमीर मफूली, जमीर इजाफी, जमीर मजरूरी, ठीक है आप लिख रहे हैं तो फिर मैं आपको समझाएं। और नेक्स्ट वीक मंडे को आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे क्विज, वो उन्वान जो है महाभारत के हो गए आप लोगों को? हाँ महाभारत के हो गए। डन हो गया सबका? चलें अब आइए अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा अहमद। यस अहमद बेटा, यस अहमद अपने आपको माइक खोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी मैं, हाँ कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं मैं बुखार बहुत है। आपको बुखार हो गया है? चले बहुत जी। शाबाश बेटा, आपने हिम्मत की आप क्लास ले रहे हैं। आप इसको देख लीजिए यहाँ तक लिखना है, सही है? अगर आपसे नहीं हिम्मत, वैसे आपकी हिम्मत है माशाल्लाह कि आप कर रहे हैं काम, वरना मैं सबसे रीच करवाती हैं, आप यहाँ तक मुकम्मल कीजिए। ओवर टू यू मोहम्मद रजा, रजा मुस्तफा। रजा बेटा जल्दी से ओपन योर माइक। यस रजा,
आप माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से, अभी चले आप करें। ओके ये पोर्टल पे मिस डाल देंगी, आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है। अब जल्दी से आप लोग की तरफ मिस आती हैं। यस अब यस मुसहब जी, मुसहब अनम्यूट कीजिए माइक। यस बेटा ये बताइए जमीर से क्या मुराद है, जमीर से क्या मुराद है? जमीर से मुराद ये है कि जैसे हम एक मतलब जैसे एक नाम है हम उसे बार बार यूज करें, उसकी जगह इस वो आप ही यूज करें। हाँ नाम की जगह आप ये कहेंगे मुझसे कि इस्म, इस्म जो कुछ भी हो सकता है जैसे इस्म है, इस्म की जगह आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो जमीर कहलाता है। मिसाल के तौर पे वो उस, ठीक है, जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको हम जमीर कहते हैं। सही है, आज के लिए ये हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं। अच्छा एक हमने पढ़ा है आज, मिसाल जो हमने पढ़ी है इसमें जमीर फाइली, फाइल, फाइल से क्या मुराद है आपको बस से बताया था, हम लोग ने पढ़ा था फेल फाइल मफूल। फेल से मुराद होता है, फेल क्या है जैसे काम करने को कहते हैं, फेल काम करने को कहते हैं, इसमें काम जाहिर होता है, खाना लिखना, खाना पीना पढ़ना लिखना एक वर्ब है ना, वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं। अच्छा फाइल, फाइल जो काम कर रहा होता है जिसको इसम भी कहते हैं, नाउन मतलब कि कोई काम कर रहा होगा ना, बिल्ली भाग रही है, बिल्ली क्या है ये फाइल हो गया, भाग रही क्या हो गया और फेल हो गया। आप सबके चेहरे पर कैसी ऐसी आ गई ना, है ना, बच्चे शरारत कर रहे हैं जैसे आप लोग शरारत करते हैं, शरारत क्या हो गया, शरारत कर रहे हैं तो क्या हो गया ये फेल हो गया, और बच्चे क्या हो गया फाइल, क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा होता है उसको फाइल कहते हैं। तो ज़मीर फाइली कब इस्तेमाल होता है, फाइल फाइल के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल क्या हो गया इसम, वो भी इसम ही होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे कि क्या क्या मिसालें हैं इसमें, ये मिसाल दी है नंबर एक पढ़ेंगे आज सुबह, वो तुम मैं उन उस आप हम काम कर रहे हैं, आपने काम कर लिया है, उसका काम हो चुका है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो तुम, ये क्या होता है ये ज़मीर फाइल, फाइल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। फाइल क्या होते हैं जो काम कर रहा होता है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, तुम काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये फाइल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक बात समझिए और पढ़िए, ठीक है, सही। अब आज अभी जो थोड़ा सा हम आप लोग के साथ थोड़ा सा आप लोग से जरा सवाल पूछते हैं और जरा डिस्कस हो जाए कि पहले सारी जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं, महावरात, महावरात जो हमने पढ़ा है सबको क्लियर है, महावरात, महावरात का इस्तेमाल, महावरात की वर्कशीट सबको क्लियर है? यस बेटा, अगर जिसको क्लियर नहीं है ना वो हैंड रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट उस क्लास में हम थोड़ा रीकैप, जिनको क्लियर है उससे मिस रीकैप दिलवाएंगे। माशाल्लाह राबिया ने जब भी रीकैप स्टार्ट किया, राबिया के अलावा और कोई एक्टिव नजर नहीं आ रहा हमें, आराम हो गए, वेरी गुड आराम। मुर्तजा वर्कशीट महावरों की सब याद है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली उसकी, सब मुकम्मल कर लिया प्रैक्टिस करके, बराए मेहरबानी उसकी प्रैक्टिस करते रहिए जो पढ़ा है, सही, ठीक है। अच्छा अब आप लोग के साथ नेक्स्ट वीक फ्राइडे को थ्रू से एक्टिविटी ये है कि अब आप लोग अलामा अकबर या गालिब या अच्छे अशार याद करके आएंगे। हम आधे घंटा 15-20 मिनट की क्लास होगी हमारी, सब सुन लें गौर से क्योंकि टाइम अप हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया है जूम का कि टाइम थोड़ा खत्म होने वाला है। ये है कि जिस तरह, यस थैंक यू अभी, जिस तरह के पहले हम लोगों ने क्लास में एक्टिविटी की थी शेर व शायरी की, लेकिन माशाल्लाह ऐसे शेर भी मजेदार भी सुनने को मिल रहा, मैंने सुनाया था शेर के बारे में, शेर के लिए शेर सुना दिया इन्होंने, है ना, ऐसे मुतशाबा अल्फाज हो गया ना, शेर के लिए इन्होंने शेर सुनाया था, सब बहुत मजा आया था आराम से, इसने याद है आपको शेर सुनने में मजा आता, ये शेर सुनाया था ना आपने, है ना। तो आप लोग अच्छे अशार याद करके रखेंगे दो तीन। अब उसमें क्या होगा, मैं सबसे अशार किसी भी बारी अचानक से आ जाएगी,
और आपसे ये एक्टिविटी होगी कि ये अशार सुनाना है आपको, आपको सिर्फ दो सेकंड दिए जाएंगे, जैसे उसने कहा तो सिर्फ अशार सुनाना है आपको, सही तलफ्फुज के साथ अशार अदा करने होंगे, बस जैसे ही आपको अनम्यूट करेंगे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसने नहीं सुनाया उसके माइनस मार्क्स हो जाएंगे। ये मार्क्स का मतलब ये होगा कि अब हम लोग थोड़ा सा ये एक्टिविटी करेंगे, जब ये आपकी एक्टिविटी डन हो जाएगी फिर हम लोग दो टीम में, दो टीमें बनाएंगी, दो टीम बनाएंगी, दोनों टीमों का लीडर बनाएंगे किसी को भी, उस टीम के मेंबर्स में बता देंगे दोनों टीम के अलग अलग, अब उन टीम के आपस में मुकाबला होगा, शेर शायर बैटबाजी करवा रही है, इसी में जूम में ही करेंगे हम लोग को, इतना मजा आएगा देखिएगा आप लोग। अब देखेंगे कि वो टीम कौन जीतता है, कौन किस टीम के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा अच्छे शेर सुनाते हैं, कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक्टिविटी के लिए तैयार रहिए बच्चों, फ्राइडे को 20 मिनट के बाद हम लोग इंशाल्लाह शेर व शायरी की एक्टिविटी करेंगे, आपको अशार याद करने हैं, आपकी दर्सी किताब में मौजूद हैं, शाइन उर्दू में भी हैं, वो मुझको याद हैं, आपको अल्लामा इकबाल के इतने आसान आसान अशार याद हैं, लप्पे आती भी हमारे हो गया, सबको पार्टिसिपेट करना है उस दिन सबको, ठीक है, ये थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद बस उसी दिन अनाउंस करेंगे सबका नाम जो मौजूद है और भी जो मौजूद है, वो सब रेडी रहिएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये वीक जो फ्राइडे है, ये फ्राइडे नहीं फिर अगला फ्राइडे को बैटबाजी का मुकाबला होगा, दो टीमें होंगी, अब देखते हैं दोनों टीमों में से कौन जीतता है, और दोनों टीमों के मैं कैप्टन जो होंगे मैं उसको डिसाइड करेंगी और उनके मेंबर खुद ही देंगी, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग करके मिस जो है अपने इंशाल्लाह एसबीपी भी लगाएंगे और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डालेंगे, देखते हैं कौन सी टीम विनर होती है, ठीक है, आया समझ में आप लोगों को, सही है, ठीक है। तो क्या है काम आप लोगों का बच्चों, अच्छे से अशार याद करने हैं ताकि आप लोग का मुकाबला हो, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे और सबके कैमराज बराए मेहरबानी ऑन होंगे, ठीक है। अच्छा अब जब हम करेंगे ना बैटबाजी का मुकाबला, तो उसमें कोई थीम रखेंगे, जो टीम्स बन जाएंगे वो अपने कोई कलर थीम रख लीजिएगा, अभी इंशाल्लाह आज मैं डिसाइड कर लेंगे कौन कौन लीडर है, अपनी कलर थीम रखेंगे, तो उसी तरह के कपड़े वो वही कलर आप लोग पहने, ताकि वो अच्छा लुक लगेगा, सबके कैमराज ऑन होंगे, सब अच्छे लगेंगे। अच्छी है एक्टिविटी, थम्स अप करके बताइए सर, एक्टिविटी में मजा आएगा, यस, चले सबको मिस कर दिया, लेकिन जरा आराम आराम से बोलिएगा, यस बताइए, थैंक यू राबिया, यस चले क्लास खत्म होने वाली है, हमारे 3 मिनट रह गए हैं, वेरी गुड, जुम्मे को सब क्या रहेंगे शेर व शायरी के लिए, हम लोग 20 मिनट 15 मिनट की क्लास इंशाल्लाह होगी, उसके बाद हमारा मुकाबला होगा, उन सब बच्चों को अलग अलग उसी दिन में अनाउंस करेंगी टीम मेंबर्स और टीम पे हम बैटबाजी के लिए तैयार हो जाएगा आप सब इंशाल्लाह ताला, बहुत मजा आएगा बैटबाजी में। अल्लामा इकबाल के शेर, यस अभी रुक जाइए बेटा, अल्लामा इकबाल के शेर, मिर्ज़ा ग़ालिब के शेर, इसके अच्छे अशआर याद कीजिएगा आप लोग, सही है, ठीक है, सही। आज का हमारा उनवान क्या था, जमीर जमीर फाइली, ये याद रखिएगा, और पोर्टल पे आप लोग जाके वो जो इकाई थी रूमी की जो इसने शेयर की है, बराए मेहरबानी आप लोग देख लीजिए, सही, ठीक है, ओके चले। आप जो आपको मश्क करवाई है वो याद रखिएगा, कौन सी मश्क करवाई है, जमीर फाइली कब इस्तेमाल होता है, फाइल की जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो उस फाइल किसे कहते हैं कि जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, जो काम अंजाम दे रहा हो उसको असेंबली कहा जाता है, सही है, ठीक है। अब आप लोग जाके, अब आप लोग अपना पोर्टल पे जरूर देख लीजिएगा, मैंने क्या होमवर्क दिया है, एक दफा और मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो, आप जरूर वॉच कीजिएगा हिकायत, ताकि उसका हासिल सबक मैं आप लोग से पूछ सकें, सही है, ठीक है, चलें आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।